क्या गलत है हमारे पास? और बताइए बस यही मेन था। तो इमेजिन कीजिए फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में अटेंशन टू डिटेल वो होना चाहिए। माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो जरूरत लगी वो बताइए, काफी मेजर तो हो ही जाता है। समझ रहे बात? अच्छा ये क्या है बेडिंग? यहाँ पे 100 हमारे पास आ गए बेडिंग है। कोई आएगा नहीं तो थोड़ा साफ सफाई जो भी होगा तो इसको बताइए। जो है वो शुरू हो रहा है 18, 19 और 20 को, बिल्कुल लोगलीपुरा अश्मकाम में अभी मौजूद है, जहाँ पे 3 कश्मीरी पंडित घर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे कम से कम जम्मू दिल्ली से काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे रात दिन भर हवन होता है, पूजा पाठ होती है लोगलीपुरा अश्मकाम में। हमारे साथ 2-3 पंडित जो है कश्मीरी पंडित जुड़ चुके हैं, इनके साथ हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे भी किस तरीके से जो है आज तहसीलदार पहलगाम वो आए। हालांकि आज इतवार है, संडे है, लेकिन संडे भी अपना काम वो बखूबी से निभा रहे हैं, ये कहना है यहाँ के कश्मीरी पंडितों का। सीधे हम बात करेंगे कि मेला खीर भवानी के हवाले से कि यहाँ पे किस तरीके के जो है सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके का अरेंजमेंट है। जी अपना नाम बताइए। मैं कुलदीप कुमार भट्ट मेरा नाम है। तो मैं पिछले 6 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मेरी पोस्टिंग भी यहीं पर है, हाई स्कूल लोगरीपुरा में। तो पिछले कई सालों से हम यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ हम ये खीर भवानी का मेला मनाते हैं यहाँ पर। तो उसमें मैं स्पेशली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, SDM पहलगाम, DC अनंतनाग, तो हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हर हमेशा इन्होंने इस खीर भवानी मेले को सेलिब्रेट करने में हर हमेशा इन्होंने हमारी मदद की है। ड्यू टू कोविड यहाँ पे अभी इस बार बिल्कुल लिमिट में, अंडर मतलब जो गवर्नमेंट ने गाइडेंस SOPs मतलब किए हुए हैं, गाइडलाइंस की हुई है, तो उसी के हिसाब से हम इस बार लिमिटेड लोग हैं जो इस सेलिब्रेशन में मतलब शमूलियत करेंगे। एज यूजुअल जो है हर साल यहाँ पे लगभग मोर देन 4,000 तो होते ही होते हैं, क्योंकि ये स्थापन यहाँ पे कश्मीर में 5 जगहों पे मनाया जाता है, जहाँ की जो कि मेन है हमारा तुलमुला में, जो शायद बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा यात्री वहीं पे जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो आसपास में है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जितने भी हैं और दहली वहली से भी आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आते हैं। लेकिन कोविड की वजह से इस बार हमने सबों को इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट की SOPs है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इस बार लिमिटेड लोग आएंगे और ये पूजा कर लेंगे। जी शुक्रिया आपका। जो आप देख रहे हैं यहाँ मेला खीर भवानी, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 से 18 तारीख को। ये रागनीय बकवदी जो मंदिर है उसके श्रद्धालु हैं यहाँ पे आएंगे, जो मेला खीर भवानी यहाँ कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं अक्रॉस कश्मीर रीजन वेरियस मंदिर में मनाते हैं, तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा ये ज़ाती फ़र्ज़ भी है कि ये हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, इनका हम इज़्ज़त अफजाई से यहाँ इस्तकबाल करें। तो उसी की एक प्रिलिमिनरी व्यू और रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ मंदिर पे आए, यहाँ इस लोगरीपुरा एरिया में आए, ताकि हम जायज़ा लें कि यहाँ पे सैनिटेशन या जो पानी का इंतज़ाम है या बिजली का इंतज़ाम है या बाकी जो राशन फूड का इंतज़ाम है, वो प्लस जो हेल्थ अथॉरिटीज़ का भी हमने उनसे भी टेकअप किया है उस टाइम SOPs, बाकी सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए। तो